मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हनुवादी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। एससीएसटी का स्कॉलरशिप छीनने वाला मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एससीएसटी का स्कॉलरशिप 100% लागू करो, लागू करो, लागू करो। एससीएसटी का स्कॉलरशिप 100% लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेरे देश में मतवादी विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, जो आंदोलन हो रहा है संविधान चौक नागपुर में, इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप जो दलित और आदिवासियों के लिए दी जाती है, उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 40% है और राज्य का है 60%, वो घटा के लगभग 11% कर दिया है। इसके वजह से बहुत सारे स्टेट जो है स्कॉलरशिप दे नहीं पा रहे। अब ये भी सुनने में आया है कि केंद्र सरकार अब 10% ही देने की डिसीजन लेगा, तो हम इसके खिलाफ है। ये सरकार ने करना चाहिए और जो ये जो रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 52% टू 10%, ये ख़त्म करना चाहिए। रेशियो जो है वो 60-40% रहे, 60% स्टेट, 40% सेंटर। और ये जो ये सिर्फ स्कॉलरशिप जिन वो ऐसे बच्चे हैं जिनका उत्पन्न जो है 2-2.5 लाख है, तो वो भी सीलिंग बढ़ानी चाहिए 8 लाख तक, क्योंकि ओबीसी के लिए वो सीलिंग 8 लाख है। ये स्कॉलरशिप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1944 में शुरू की थी। यार 75 साल में स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है दलितों में और आदिवासियों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सरकार की स्टेप जो है ये सही नहीं है, गलत सही है, गलत है। इसको ये 11% के बजाय ये 40% का रेशियो कायम रखे, और ये भी करे कि ये स्कॉलरशिप जो है वो मंथली रिलीज करे, क्योंकि ये मेंटेनेंस स्कॉलरशिप है। ये ट्यूशन फी वगैरह तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन बेसिकली बच्चों को खाने पीने के लिए फेलोशिप है, तो ये मंथली बेसिस पे देनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। मनुवादियों का संघर्ष का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे देश के तमाम आदिवासी और अनुसूचित जमाति और जाति के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो गरीबी और दरिद्र रेखा के नीचे जो लड़के थे, और वो फिर से ये लोग वही रहे और अपनी ज़िंदगी ये उसी तरह से उसी हालात में जिए। इसका सरकार का जितना निषेध करे उतना निषेध। हम माएँ अपने बच्चों को शहरों में कभी पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं और हमारी मजदूरी बच्चों को पालने के लिए ही इतनी कम है, इतनी कम है कि हम उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं दे सकते। केवल और केवल ये स्कॉलरशिप के माध्यम से ही हमारे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। तो हम देश के शासन को ये सूचित करना चाहते कि हम जितने आपको शांत लग रहे हैं उतने शांत हम नहीं रहेंगे। अगर हमारे ये सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि हम अपने इस संसाधन के कारण ही हमारे अपने जीवन के अंदर और बाहर भी परिवर्तन ला सके हैं। और हम मेन स्ट्रीम में जब आना चाहेंगे तो केवल और केवल यही एक जरिया है कि उसके माध्यम से हम मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम वाले इस सरकार को हम जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप अगर बंद कर देते हैं तो आपका इस कुर्सी पर रहना बिल्कुल नामुमकिन कर देंगे। 100% स्कॉलरशिप लागू करो, लागू करो, लागू करो। 100% स्कॉलरशिप लागू करो, लागू करो, लागू करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार ने जो SC ST का स्कॉलरशिप का अमाउंट जो बंद किया है वो एक बहुत ही घिनौनी चाल है, क्योंकि इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं जिनको अभी तक शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको अधिकार मिलने का कारण भी शिष्यवृत्ति है, स्कॉलरशिप है। क्योंकि स्कॉलरशिप गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, जब धनवान लोग नहीं हैं, और जिनको पढ़ाई का हक भी स्कॉलरशिप निकाल के ये सरकार ने निकाल गया है, निकल रहा है। ये सरकार की जो नीति है, ये नीति हमारे समाज को, बहुजन समाज को दबाने की नीति है, SC ST को शिक्षणहीन करने की नीति है। तो इसके लिए
ये जो नीति सरकार अपना रही है, ये अपना वो जो उनका काम है वो यहाँ के केवल मुट्ठी भर लोग आगे रहेंगे और बाकी लोग सब नीचे रहेंगे, उनके दबे अछूत रहेंगे, शुद्र रहेंगे, ऐसी जो उनकी मंशा है वो बहुत ही घिनौनी मंशा है। मेरे ख्याल से सरकार ने और आरएसएस का जो फंडा है कि इस देश का शिक्षण बंद करने की जो साजिश है, वो साजिश भी इससे मुखर होती है, क्योंकि शिक्षावृत्ति बंद करोगे, जो गांव से आने वाले लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, उनका शिक्षा का अधिकार निकालने की ये बात हो रही है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा लेना, पढ़ाई करना और कुछ नौकरी में स्थान मिलना, ये सब इससे बंद हो जाएगा और केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे नौकरी क्षेत्र रहेगा। ऐसा हमको लगता है कि इनको नौकरी क्षेत्र से बाहर निकालने का भी एक षड्यंत्र है, और इसलिए हम उसका मैं और हमारे जो बहुजन संघर्ष समिति है उसके तरफ से उस निषेध करता हूँ, और सरकार अपना जो रवैया है वो बदलेंगी, और क्योंकि नहीं तो पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठने वाली है। सरकार के उस कदम का विरोध करने जो संविधान का विरोधी है, इस सरकार को संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षण का वो ध्यान रखे, उसके लिए फाइनेंसेस अवेलेबल करा दें। अगर ये स्कॉलरशिप ही बंद कर देंगे तो ये जड़ से ही हमारे बच्चों को जो पानी, जो खाद मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, उसको बंद करने का ये षड्यंत्र है, और हम चाहते हैं कि ये ना हो। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। हमको ये डर है कि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पार्ट है कि जिसमें ये चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग पढ़े ही ना। इसलिए आज हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं इस चीज़ का, सरकार के इस तरह के अन्याय का विरोध करने के लिए, और ये अन्याय का विरोध हम हमेशा करते रहेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद।